घर में निगेटिविटी पैदा करते हैं जूते चप्पल जाने रखने का सही ढंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भाग्यशाली टोटके में, जिसमें हम सभी धर्मों से जुड़ी बहुत ही रोचक और भाग्यशाली टोटके आप सभी तक अनोखे और सरल तरीके से पहुंचाते हैं। इसलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में सभी चीजों को एक निश्चित दिशा एवं उचित स्थान पर रखना शुभ माना जाता है। वास्तु के मुताबिक घर में जूते चप्पल रखने के लिए भी एक दिशा निर्धारित है। अक्सर लोग अपने जूते चप्पल घर की दहलीज पर ही उतार देते हैं, वहीं कुछ लोग घर के अंदर जूते चप्पल लेकर चले जाते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के हिसाब से ऐसा करना गलत है। तो आइए जानते हैं जूते चप्पल से जुड़ी उपयोगी वास्तु टिप्स। दोस्तों, जिन लोगों के घर में जूते इधर उधर बिखरे रहते हैं, वहां शनि की अशुभता का प्रभाव रहता है। दरअसल शनि को पैरों का कारक माना गया है, इसलिए पैरों से संबंध रखने वाली किसी भी वस्तु को यथाक्रम रखना चाहिए। घर के बाहर या अव्यवस्थित तरीके से पड़े जूते चप्पल नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, इसलिए उन्हें हमेशा जमाकर एक कोने में रखना चाहिए। दोस्तों, उपयोग में आने वाले जूते चप्पलों को व्यवस्थित ढंग से उचित स्थान पर हमेशा पश्चिम की ओर रखना चाहिए। पुराने जूते चप्पल रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, इसके साथ ही समस्याएं घर से जाने का नाम ही नहीं लेती। दोस्तों, जूते चप्पलों की अलमारी कभी भी घर में बने पूजा के कमरे और रसोई की दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए। घर के पूर्व, उत्तर, ईशान या आग्नेय कोण में जूते चप्पलों की रैक या अलमारी कभी ना बनाएं। दोस्तों, जूतों की अलमारी के लिए वायव्य यानी उत्तर पश्चिमी दिशा व नक्षत्रीय यानी दक्षिण पश्चिमी दिशा सही मानी जाती है। घर में यदि जूते चप्पल बिखरे हुए पड़े रहते हैं तो घर के सदस्यों में आपसी संबंध खराब रहते हैं। दोस्तों, जिस बेड पर सोते हैं उसके नीचे जूते चप्पल इकट्ठा ना होने दें, वरना स्वास्थ्य में कमी आ सकती है। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल भाग्यशाली टोटके को और अपने विचार हमें नीचे दिए कमेंट सेक्शन में बताकर इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हम तुरंत हाजिर होंगे एक अनोखे भाग्यशाली टोटके से जुड़ी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।